तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करते सभी बढ़िया होंगे। तो आ चुके हम न्यू ब्लॉग न्यू वर्कआउट में। रोज की तरह हम जा रहे हैं अपने छत पे। जैसे कि आपको पता है हम वर्कआउट के लिए कहाँ जाते हैं, छत पे। तो यहाँ पे मैंने अपना ट्राईपोड, अपने लिए पानी, छोटे से थर्मस में जो कि चाय की मतलब चाय इसमें मतलब कंज्यूम करते हैं, जिसमें चाय ठंडी नहीं होती, गर्म रहती है। तो आ चुके हम छत के ऊपर। तो आज मैंने पहन रखी है टोपी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो टोपी पहन रखी है और स्वेटर नहीं पहन रखी है। तो मिलते हैं आपसे एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो आ चुके हैं। आज की वीडियो की क्वालिटी आपको लो लग रही होगी, क्योंकि ये मैं शूट कर रहा हूँ अपने टैबलेट से, जो कि मतलब फ़ोन जो था मेरे सिस्टर ने कहाँ ले जा रखा था, स्कूल में पता नहीं कुछ काम था, कह रहे थे वो मम्मी से OTP या फिर कुछ डालना है, इसलिए OTP आएगा कि क्या आएगा, इसलिए वो मोबाइल ले गई थी। और यहाँ पर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, हालांकि वो मतलब तब तक आ गई थी जब तक मैं वर्कआउट करता हूँ। मतलब मैं करता हूँ साढ़े मतलब 4 बजे से स्टार्ट करता हूँ वर्कआउट, और करता हूँ मैं 5 बजे तक 1 घंटे का वर्कआउट। तो यहाँ पे थोड़ा सा PT वगैरह कर लेते, क्यों, क्योंकि अपने शरीर को गर्म करने के लिए। तो यहाँ पे आ चुकी हम वर्कआउट की ओर। तो रोज़ की तरह रूटीन में, जैसे आपको पता ही है, ये करते हैं पूरे 10। तो यहाँ पर हम स्लोली स्लोली करते हैं, वे फास्ट फॉरवर्ड हो चुके हैं। तो आपको बिल्कुल ही स्लोली स्लोली करना है चेस्ट मसल के लिए। तो यहाँ पे हमने किया फिर से PT। तो यहाँ पे ये वाला वर्कआउट भी हमने कितना 12 किया। और यहाँ पे ये हमारे किसके लिए है, ये भी मसल की मजबूती के लिए। तो यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की होगी कि वो पिलर मतलब जो हमने बम्बू लगाया था लकड़ी का, जो खम्भे गहते थे तो हिल रहे थे बहुत ज़्यादा ही। और यहाँ पे ये वाला वर्कआउट भी हमने कर लिया स्टार्ट। ये हमने किया 20, वैसे हम करते 30, क्योंकि आज मैंने अपने हाथों को मतलब खोल के ये पुशअप मारे हैं, तो बंद करके और खुले मतलब हाथ रख के बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है, और ऐसे में पेन ज़्यादा दर्द होता है मसल में, तो उससे हमारे चेस्ट और मसल के लिए दोनों अच्छा होता है। हालांकि वो मैं कितना 20 ही कर पाया। तो ये हमारे मसल के लिए, मैंने मतलब हाथ के मसल के लिए ये वाला मैं रोज करता हूँ कितना 60। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से ये मैं करता हूँ। तो हमने लगा रखा चाले 200 डे, जिससे कि हमारे शरीर में इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो उस हिसाब से हम इसे बढ़ा भी सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला भी, मतलब इसमें हमने अपने दोनों हाथों को कैसे रखा है, बिल्कुल मिला के रखा है, और इसे हमारे 20। तो यहाँ पे आ चुका मैं दूसरे वर्कआउट की ओर। तो यहाँ पे ये हमारे किसके लिए होता है, हमारे ऐप के लिए होता है, 6 ऐप या फिर 6 ऐप। तो ये हमें स्लोली स्लोली करना होता है, तो उससे हमारी मसल में पेन होता है, और उससे हमारा क्या होता है, मसल बूस्ट होती है। ओके, मतलब मसल आते हैं, कहाँ से आते हैं मुझे पता नहीं। तो यहाँ पे मसल के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया है, और इसे हम घर पर आराम से कर सकते हैं बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत की। तो यहाँ पे ये वाली किसके लिए, हमारे पैरों के लिए है, पैरों की मजबूती के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना, अपने पंजों के सहारे पे पूरा अपने शरीर को मतलब पंजों पे पार देना अपने पूरे शरीर को, जिससे आपकी मसल में मतलब क्या बोलते हैं, पैर के मसल में दर्द होता है, और उससे आपकी मसल जो है अपडेट होती है, फिर मोटी होती है, फैलती है।
अपडेट ही कह सकते हैं, मोबाइल जैसे अपडेट होता है। तो अभी मतलब शरीर को अपडेट करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। यहाँ पे आ चुके हम कितने, अभी ये वाला वर्कआउट भी किसके लिए, हमारा 6 ऐप के लिए। तो इसे आप स्लोली स्लोली करोगे तो ये आपको प्रॉफिट होगा या फिर बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे ये मैं करता हूँ पूरे 60, हालांकि आप इसे 30 30 या फिर 20 20 के मतलब सेट में भी कर सकती हूँ, बट मैं टायर ही करता हूँ एक ही बार में। तो यहाँ पे ये वाला वर्कआउट भी हो चुका हमारा क्लोज। तो यहाँ पे ये वाला आप देख सकते हो, ये मैं कैसे कर रहा हूँ, अपने एक हाथ पे मतलब पूरा शरीर का भार दे रहा हूँ, जिससे हमारी मसल पे पेन होता है, मसल अपडेट होती है इससे। तो इससे हमारे मसल बनती है, हाथ की मसल और डंबल के लिए भी मैंने कहा था आप लोगों को सजेशन करना, हालांकि मेरे को अभी कोई भी सजेशन किसी ने नहीं किया है। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से बताना कि हम अपने ये डंबल का वेट किस तरह से बढ़ा सकते हैं, कैसे घर का देसी जुगाड़ लगा के। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट पिन करना। तो यहाँ पे हम ये लगाते हैं पहला सेट 50, और दूसरा सेट भी लगाते हैं हम 50 का ही। तो यहाँ पे इस बार हमने कैसे पकड़ रखा है नीचे से, तो दूसरा सेट हम लगाते हैं वो पकड़ते हैं ऊपर अलग तरीके से, आपको पता ही है रोज की तरह ही। तो यहाँ पे हमें कैसे करना है वर्कआउट स्लोली स्लोली, तभी हमारा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे ये भले ही मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है, बट आपको कैसे करना स्लोली स्लोली। वर्कआउट हमें क्यों करना चाहिए, शरीर को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रखने के लिए। यहाँ पे पहले पी चुका हूँ पानी, अपने शरीर को दे लिया मैंने प्रोटीन। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको पकड़ना है मसल के लिए, वो हमारा चेस्ट और मसल के लिए, हाथों की मसल के लिए। तो देख सकते कुछ इस तरीके से ये वाला वर्कआउट भी हमारा होता है। तो इसे भी आपको स्लोली स्लोली करना होता है, और स्टार्टिंग में इसे आप सेट के तरीके से मार सकते हो, जैसे मैं 50 50 का सेट मार रहा हूँ, आप 20 या फिर 30 का सेट स्टार्टिंग में मार सकते हो यदि आप वर्कआउट करते हो तो। तो यहाँ पे स्लोली स्लोली मैं मार रहा था, इसलिए ये फास्ट फॉरवर्ड भी मैंने किया, बट ये स्लो ही लग रहा है। तो यहाँ पे जय श्री राम, दूसरा वर्कआउट कर लिया हमने स्टार्ट। तो इसे भी आपको मारना है बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, जिससे आपकी जो चेस्ट है वो बाहर निकलेगी, और आपके जो मसल है वो भी इम्प्रूवमेंट में अपडेट होगा और आपकी मसल बनेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो हम स्लो स्लो कर रहे हैं, जिससे हमारे हाथ में पेन होता है, फिर दर्द होता है, जिससे हमारी मसल इम्प्रूवमेंट होती है। तो यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज भी आपको करना बिल्कुल धीरे धीरे, और ये सब होम वर्कआउट आप आराम से घर में कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो ऐसे इस तरीके से आपको स्लो स्लो करना है, तो इससे हमारे चेस्ट जो होता है वो बाहर निकलता है, ओके, और बाकी हमारे हाथों की मसल भी बनती है इससे।
तो इसके मैं करता हूँ कम से कम 3 सेट 20-20 के। तो यहाँ पे ये हमारा है, तो ये हमारा पहला ही सेट अभी चल रहा है। तो देख सकते हो स्लो मोशन में हम कर रहे हैं। तो अभी हमारा दूसरा सेट चल रहा है, तो ये हमारा दूसरा सेट 20-20 का। उसके बाद एक लास्ट सेट हमारा रह रखा है और वो सेट भी हमने कर दिया। अभी स्टार्ट ये है हमारा तीसरा सेट, ये भी हम 20 का सेट ही करते हैं। और इसे आपको बिल्कुल धीरे धीरे करना होता है, जिससे आपके चेस्ट और मसल दोनों बनती है। बाकी आप कहाँ कहाँ से वीडियो वॉच कर रहे हो कमेंट में जरूर से बताना। तो यहाँ पे जय श्री राम, तो यहाँ पे ये वाला भी हमारा किसके लिए एक्सरसाइज, चेस्ट के लिए। जैसे कि आपको पता ही है एब इम्प्रूवमेंट के लिए, ये पैरों के लिए भी सही है ये एक्सरसाइज। तो यहाँ पे देख सकते हो स्लो स्लो करना है हमें, जिससे हमारे एब इम्प्रूवमेंट जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो डेली का रूटीन आपको रखना है, हालांकि इतनी एक्सरसाइज आपको एक ही डे में करना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। बट मैं हर एक्सरसाइज करता हूँ, मतलब पैरों के लिए भी और चेस्ट के लिए भी, मसल के लिए भी, चेस्ट के लिए भी। तो यहाँ पे इतनी सारी एक्सरसाइज मैं एक साथ ही करता हूँ, और वो भी पर डे। तो प्रोटीन लेना भी ज़रूरी होता है, हालांकि मैं प्रोटीन में अभी कुछ नहीं ले रहा हूँ, ये भी ले भी रहा हूँ वो है सिर्फ भिगोए हुए चने। बिना प्रोटीन के तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये देख सकते हो ये भी किसके लिए, ऐप के लिए हमारे, और पैरों के एक्सरसाइज के लिए भी। फिर इसको आपको कैसे करना, अपना जो पैर का जो मतलब पैर को सर से टच करना है, पैर की जो कोहनी है। तो इस तरह से आपको ये वाला वर्कआउट करना है। तो यहाँ पे जय श्री राम करते हैं सीधा सीधा। अब देखो ये वाला वर्कआउट आपको सेम वही, मतलब वर्कआउट है ये भी, मतलब उसी तरह का है कुछ, पर इसमें आपको एक ही पैर करना है, जिससे आपके मतलब ऐप जल्दी से जल्दी ग्रो होते हैं। तो ये मैं करता हूँ 80। तो स्लो स्लो आपको करना है कोई भी वर्कआउट, आपको तभी फायदा मतलब वर्कआउट करने से मिलेगा जब आप उसे स्लो स्लो करते हो। हालांकि आप 80 ना करो उसे, आप 40 करो, बट स्लो स्लो करो, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे ये वाला वर्कआउट देख सकते हो, तो इसमें देख सकते हो यहाँ पे हमने दीवार का सहारा लिया है, और यहाँ पे हमारे पुशअप। तो पुशअप देख सकते हो यहाँ पे हम 20 पुशअप मैंने मारे हैं। तो ये भी आपको स्लो स्लो मारना है, तभी आपको प्रॉफिट दिखेगा। और यहाँ पे अभी रह रहा हमारा लास्ट वर्कआउट, तो ये भी हमारे किसके लिए, हमारे पैरों के, चेस्ट के लिए, मतलब ऐप के लिए, दोनों के लिए। तो यहाँ पे मसल भी हमारी ग्रोथ होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि मसल पे भी पेन पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको स्लोली स्लोली करना है, और इसे भी हम करते 60। तो यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है,
आपको करना है स्लोली स्लोली। तो यहाँ पे वर्कआउट हो चुका है ख़त्म, तो पीते हैं थोड़ा सा पानी। तो पानी मैंने ला रखा था ऊपर, वो मैंने पानी पी लिया। इसे डालते अभी जहाँ पिलर पे हम वर्कआउट करते, जिससे कि पिलर मजबूत हो जाए। तो अभी आ चुके हैं हम, तो यहाँ पे आ चुके हम सारा सामान समेट के नीचे। तो यहाँ पे चूहे ने मिट्टी खोद रखी थी, तो यहाँ पे आ चुके हम घर अपने घर पे। तो यहाँ पे हमने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के यहाँ बंद और लाइट कर दी ऑन। तो यहाँ पे आज के वर्कआउट के बाद कैसी हमारी बॉडी दिख रही है तो वो भी बताते हैं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारी आज के वर्कआउट के बाद बॉडी दिख रही है। तो जय श्री राम दोस्तों। तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपको सीधा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।